अब कुछ सेकंड दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको झकझोर कर रख देगा। मैं पहुंचा इंडियन एक्सप्रेस जो दफ्तर, ते खबर आई कि रकाबगंज गुरुद्वारे ते हमला हो रहा है। तो मैं स्कूटर लेके उत्थे नठिया, उत्थे वेखना कि उत्थे दो सिखां नूं मारता सीगा जला के। ऐ मेरे सामने दी गल है कित्थे वो लाशां सीगी। इस बाद मैं बड़ी डिस्टर्बिंग गल है, मैं नहीं डिटेल कहना चाहता, बहुत डिस्टर्बिंग गल्लां ने। क्राउड जिहड़ा हैगा गुरुद्वारे सामने बार बार आ रहा, क्राउड दे नाल कमलनाथ एम पी खलोता है। तो वह यह इशारा किया एक बार सामने वधे लोग, तो नाल मैं कमलनाथ नूं मिलिया, उत्ते की हो रहा है मैं पूछिया। ये हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सूरी, जो 1 नवंबर 1984 को धधकती दिल्ली और जलते सिखों की आंखों देखी बयां कर रहे हैं। देश की संसद से महज 5 मिनट की दूरी पर है दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा। हर दिन की तरह उस दिन भी गुरुद्वारे के पास सिख समुदाय के सैकड़ों लोग खड़े थे। तभी 4000 से ज्यादा की भीड़ वाला दंगाइयों का एक झुंड आता है, जो वहाँ मौजूद सिखों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ तो भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर 2 सिखों को ये दंगाई जिंदा जला देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सूरी आगे बताते हैं कि मैंने 2 सिखों को जिंदा जलते देखा और वहाँ पर उस भीड़ को इशारे दे रहे थे तत्कालीन सांसद कमलनाथ। जब मैंने कमलनाथ से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्राउड के नाल कमलनाथ एमपी खलोता है, तो वह यह इशारा किया एक बार सामने वधे लोग, तो नाल मैं कमलनाथ नूं मिलिया, उत्ते की हो रहा है मैं पूछिया। तो जिवें वधे कमलनाथ यह इशारा किया, यह सारे लोग उस वेले रुक गए। नाले करीब 10-12 गज की दूर से, इस तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सड़क के नाल एक पूरी पलटन खलोती सी CRPF की, नाले गौतम कौल एडिशनल कमिश्नर पुलिस लोदा, वो कख नहीं कर रहे, वो वेख रहे ने। पत्रकार संजय सूरी ने बताया कि दंगाई कमलनाथ के इशारे पर काम कर रहे थे और फोर्स खड़े होकर तमाशा देख रही थी, क्योंकि जिस जगह पर यह नरसंहार हो रहा था वहां बिल्कुल बगल में ही CRPF की एक पूरी बटालियन खड़ी थी, जो बिल्कुल खामोश थी। पास में ही एडिशनल कमिश्नर गौतम कौल खड़े थे, वो भी खामोश थे, और दंगाई उत्पात और नरसंहार की सारी हदें पार कर रहे थे। दो सवाल उठते हैं, एक ते क्राउड दा ते कमलनाथ दा की रिश्ता सीगा, की अंडरस्टैंडिंग सीगी कि ही हैड कंट्रोल ऑफ द क्राउड, कि मैं इशारा करा ते वो मेरी गल मन जी, कौन सी है इन्हां दा रिश्ता की सी। दूजा, पुलिस दी की अंडरस्टैंडिंग सी कि असी कुछ नहीं करिए, ए कमलनाथ जो है जिसने जो करना है इन्हें करना है। ए सवाल उठते ने, इस सवालों का कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया। आज हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों था। दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इसी के बाद देश भर में सिख समुदाय से बदला लेने के लिए इस दंगे को अंजाम दिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है, और जल्दी ही आपको भी CBI से लेकर के एजेंसी काम कर रही हैं, जल्दी ही आपके खिलाफ आपके ऊपर जो आरोप हैं। इस घिनौने पाप को अंजाम देने वाली कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी केस के दूसरे पापी कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी इनके गुनाहों का हिसाब भी जल्द होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब सिख दंगों के सारे आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे।